हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। भाई सभी मैं कर्नाटक में, ये कंकुबी का भाई सब आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा गांव है, बिल्कुल हमारे गांव के जैसा है ना, बिल्कुल एकदम सेम हमारे गांव के जैसा है। बहुत बढ़िया यहां का वातावरण है। अभी सुबह सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी सूरज भी नहीं निकला है। आप लोग देख सकते हो सामने से थोड़ा थोड़ा सूरज की निकलने की आशा है। और ये है गांव। तो अभी नहाने धोने के बाद में आप सबको गांव की सैर कराता हूँ मैं। कितना अच्छा गांव है, कितना मस्त है, काफ़ी खूबसूरत गांव है और पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइस, अभी हमारे लिए चाय आ चुका है, सुबह सुबह की चाय और यहां से निकलती हुई सूरज की किरण। और ये हमारे हैं पेंटर बाबू, इनका नाम समाधान है लेकिन लोग इनको समा समा कहते हैं। और समा भाई हमारे चाय पीते हुए, तो समा है मैं परवाना हूँ। सुबह सुबह इतना मस्त वीडियो आ रहा है, सामने से सूरज निकल रहा है। चलेंगे आप सबको गांव की सैर कराएंगे। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने हमारे समा भाई के साथ में, और नाश्ता करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे सतारा को। बाकी के लोग पहले पहुँच चुके हैं। आज है नाश्ते में उपीट, काका ने हमारी बहुत सेवा की है, इनके लिए एक लाइक कर देना। ये हमारे चेयरमैन अब्दुल भाई और ये शंभुनाथ और ये है। कैसा गचक रहा है, देखते रहो कैसा हापस रहा है पूरा। सो गाइस, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है हमारा, सामान वगैरह सब रख लिए और नए नए हमारा आउटफिट भी आजकल नया है। तो चलो आप सबको हम गांव की एक सैर कराते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे। और यार, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ के लोग भी मराठी बोलते हैं। हाँ, भाषा थोड़ी सी अलग है, मुझे लगा यहाँ के लोग कन्नाड़ी भाषा बोलेंगे, कन्नाड़ी भाषा आड़म गड़म सड़म वो भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग भी मराठी बोलते, इसलिए लोगों से बोलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती, बातचीत करने में और रहने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि हम जहाँ रहते थे जैसे मैंने बाबा को दिखाया था, वो बाबा भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, रहने सोने के लिए काम करने में भी दिक्कत नहीं आई। तो चलो थोड़ा यहाँ आगे जरा मंदिर वगैरह है तो वो सब दिखा के फिर जाएंगे। भाई अब्दुल हमारा जा रहा है दुकान में और ये दादी जा रही है और ये है यहाँ का स्कूल कनकुंडी गांव का। देखिए भाई, कन्नाड़ी भाषा में वो लिखा है और नीचे मराठी में, और ये बच्चे खेल रहे हैं भाई साहब। तो बाकी फ्रेंड्स फॉर एवर, जहाँ जाओ दोस्त बनाते रहो। ये भाई हमारा आ रहा है, अभी फिर आगे बढ़ेंगे। और देखो भाई, ऊपर से जहाज जा रही है। अरे यार, छुप गई। रुक, अभी दिखेंगे फिर हम निकलेंगे बाहर। कहाँ गए वो जो दिख रही है सागवान के पीछे, देखा? हाँ। वो जा रही है सामने। यहाँ पे कहीं नज़दीक में एयरपोर्ट भी है तो इसलिए जहाज़ काफ़ी ज़्यादा नीचे से दिखती है। अभी हम आने वाले आगे मंदिर है, गाड़ी जा रही है तो मंदिर करने के। बहुत अच्छा मंदिर है भाई, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये कुआं भी है वहाँ बड़ा सा, उसमें स्विमिंग पूल बोलो, मछलियाँ वगैरह हैं। है काफ़ी बड़ा ही है, स्विमिंग पूल बोलो, तालाब बोलो, कुआं बोलो, जो भी बोलो, कछुआ है, मछली हैं। तो वहाँ पे चलते फिर देखा तुम आप लोगों को। और ये भाई यहाँ का हॉस्पिटल है, सरकारी दवाखाना गाय महिस का। अब क्या मालूम, आरोग्य केंद्र देखा है कनकुंबी,
यह यहाँ का हॉस्पिटल दवाखाना कनकुंबी गाँव का कनकुंबी रे का तो मैं और क्या बोला कुंडी बोलूं कुछ भी कनकुंबी मेरे भाई कनकुंबी देखो प्राथमिक आरोग्य केंद्र कनकुंबी यह सामने से और वो है आगे मंदिर और हिरल पिल्लन की जगह है विमान विमान गया घर पे अपने। तो भाई आ चुके हैं मंदिर में और वो बच्चे जा रहे हैं आगे। ये है रास्ता यहाँ से नीचे आते हो तो मेन रोड है लेकिन हम मेन रोड से नहीं आए हैं और ये अंदर ज़रा काम चालू है मंदिर का। हम आपको दिखाते हैं सामने तालाब ये यहाँ पे कुआँ तालाब स्विमिंग पूल जो बोलना है बोलो। ये देखिए भाई साहब कितना मस्त है। कछुआ दिख रहा कि नहीं? मछली है देखा छोटा है छोटा है बड़ा है जैसा भी है। और ये लोग शायद काम करने वाले लोग है ये मंदिर में। देखो यहाँ पे लोग आए दर्शन के लिए और ये मंदिर में काम चालू है भाई। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग फल्ली वगैरह लगा है कलर वगैरह का। और हमारे अब्दुल भाई ने कछुआ देख लिया। कहाँ है कछुआ कहाँ दिखा वो साला कोपरे में छुप के बैठा है। रुक जा वो अंदर छुप के बैठा सूरा वहाँ से जाने का क्या रास्ता भी है कोई भी नहीं है चल जाएंगे वहाँ से। अब जरा अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को कछुआ एकदम स्लो मोशन में चलो बेटा बैठ जाओ। ये देखिए भाई सब आईफोन से शूटिंग करते हुए हमारे पास तो आईफोन नहीं है हम सैमसंग के काम चला रहे हैं। जरा अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं बाहर से दिखाता हूँ ये अंदर का सब नज़ारा। अंदर तो नहीं जाऊंगा मैं बाहर से दिखा देता हूँ जितना हो सकते हैं। देखिए भाई साहब और वहाँ पे दुकान लगी हुई है एक बड़ी सी। यहाँ आगे मैदान है और ये इसका साइड है। ये देखो भाई लोग चलते हैं यहाँ पर दिस इज अ इनसाइड। यहाँ पे आर्मी वालों की तैनाती है। ये मंदिर का बैक साइड भाई यहाँ पे आर्मी वाले हैं भाई। यहाँ पे भाई आर्मी वाले हमारे देश के जवान हैं और ये अंदर सर बैठे हुए हैं और देखिए सामने देश के जवान। जय हिंद सर बाकी बढ़िया ओके। तो चलो भाई अब यहाँ से वीज़ा लेने का टाइम आ गया ज़रा आर्मी वाले से भी बात कर लिए। तो भाई आर्मी वाले से भी ज़रा जय हिंद कर लिए बात कर लिए हमारे देश के जवान हैं उनसे नहीं बात करेंगे तो और कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से बिता लेने का टाइम आ गया। अब जाके उस साइड का आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का बस स्टॉप वगैरह। और भाई ये सब काम हमने किया है सीलिंग का। ये है हॉल का और ये किचन एंड दिस इज बेडरूम। चलो चलो और ये है छोटी सी गच्ची यहाँ की। यहाँ पे चेयरमैन हमारे रंग देते हुए हाथ मुझे। ये भाई हमारा सामान है इतना सारा और ये देखो हमारे अब्दुल कभी बाबा के बताने कलर वगैरह का काम चालू हमारा हो गया जा रहे हम इतना सामान। ये भाई ने हमारे फूल ले लिया भाई। यहाँ पे हम बस का इंतज़ार करते हुए उधर से बस आएगी यहाँ जाएगी बिरगांव पे। बाबा इस फिक्र करते हुए जितने भी ट्रक वाले आ रहे हैं सब पुलकार हैं बाबा एक दुआएँ तो बिरगांव को नहीं जा रहे थे। बाबा हमारे साथ हैं चाहे जो हो जाए बाबा की जय हो। बस ये ट्रक आएगा भाई। बस मिल चुकी
की है 14 की, बड़े दिन बाद बहुत भसड़ थी यार अंदर, सीधा 17 जाके मिलते हैं।